आज ही के दिन 1967 में क्यूबा के क्रांतिकारी चे गुएवेरा को गोली मार दी गई थी। चे को पूरी दुनिया में सत्ता विरोधी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना में चे गुएवेरा का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम अर्नेस्टो चे गुएवेरा था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से चे बुलाते थे। चे ने मेडिकल की पढ़ाई की, वो चाहते तो डॉक्टर का पैसा अपना कर आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन अपने आसपास भीषण गरीबी देखकर उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। अपनी युवा अवस्था में ही चे ने मोटरसाइकिल से तकरीबन 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस दौरान वे दक्षिण अमेरिका के कई देशों में गए और उन्होंने भीषण गरीबी, मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीवादी सत्ता का दमन देखा। अपनी इस यात्रा पर चे ने एक डायरी भी लिखी थी, जिसे उनकी मौत के बाद द मोटरसाइकिल डायरी के नाम से छापा गया। यात्रा से लौटते ही उन्होंने पूंजीवादी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। दोनों ने मिलकर क्यूबा की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने गुरिल्ला लड़ाकों की एक फौज बनाई। धीरे धीरे चे का आंदोलन तेजी पकड़ने लगा और साल 1959 में चे ने क्यूबा में तख्ता पलट कर दिया। कुछ सालों में ही चे और कास्त्रो के बीच रूस और चीन के साथ संबंधों को लेकर मतभेद होने लगे। चे ने क्यूबा छोड़ दिया और दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में क्रांति करने निकल पड़े। कुछ समय वे कांगो में रहे, उसके बाद बोलिविया आ गए। इस दौरान CIA उनके पीछे पड़ी रही। बोलिविया के जंगलों से चे को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अक्टूबर 1967 को चे को गोली मार दी गई। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड 19 गाइडलाइंस।